नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मिलके एक बार बोलेंगे जोड़ो जोड़ो, हाथ उठा के जोड़ो जोड़ो। साथियों, आज एक बहुत बड़ा दिन है, वो दिन जिसका सपना हम कुछ साथियों ने आज से 13-14 साल पहले देखा था, जब मेवात दिवस 19 दिसंबर को मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। और सपना ये था कि एक दिन इस मेवात दिवस पर सिर्फ मेरे जैसे लोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता यहां घासेड़ा में आएंगे। आज वो सपना पूरा हो गया है। ये बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन हम एक बहुत महान आत्मा को याद कर रहे हैं। ये बड़ा दिन है क्योंकि हम आज एक बहुत महान धरती पे खड़े हैं। ये बड़ा दिन है क्योंकि आज हम एक बड़ा संकल्प लेके जाएंगे। ये बड़ा दिन है क्योंकि ये सब हम एक खुसूसी मेहमान की उपस्थिति में कर रहे हैं। जिस महान आत्मा को हम याद कर रहे हैं वो महात्मा गांधी हैं। जब चारों तरफ खून खराबा था, चारों तरफ नफरत की आंधी फैल रही थी, नफरत का बाजार बहुत सरगर्म था, उस वक्त वो एक आदमी खड़ा रहा, अड़ा रहा, और उसने कहा, जब मेवो ने जाके बोला कि जी हम मर जाएंगे, ये देश नहीं छोड़ेंगे, सारे लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, ये गांधी तुम्हारे साथ मर जाएगा, तुम्हें देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। और वो गांधी ने 19 दिसंबर को यहां आके संदेश दिया, तुम इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हारे पुरखों की राख, तुम्हारे पुरखों की हड्डियां इस जमीन में है, तुम्हें ये देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम उस हिम्मत को याद करते हैं और आज हम उम्मीद करते हैं कि मंच पे बैठे हुए हमारे तमाम लीडरान, आज भी इस देश में नफरत का बाजार गर्म है, आज भी इस देश के अंदर हिंसा की बात हो रही है, दंगे करवाने की बात हो रही है, तो आज महात्मा गांधी को याद करने का मतलब है उस भावना को याद करना और अपने तमाम लीडरान से उम्मीद करना कि हम भी आज वही हिम्मत दिखाएंगे। दूसरा, आज बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बड़ी धरती पे खड़े हैं। ये मेवात वो धरती है जिसने हर बाहरी व्यक्ति का, बाहरी आक्रमणकारी का विरोध किया है। ये मेवात वो धरती है जिसने सुल्तानों के खिलाफ जंग की, जिसने मुगलों के खिलाफ जंग की, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की, हमेशा खड़ा रहा। अगर देशभक्ति की कोई एक मिसाल इस देश में आप चाहते हो तो वो आपको मेवात में मिलेगी। हमें यहां पे किसी से देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो मेवाती बांटेंगे बाकी दुनिया को, हमें कोई किसी से चाहिए नहीं है। लेकिन अफसोस, इस धरती ने हर बार अपने विद्रोह की सजा पाई है, सुल्तानों से पाई, मुगलों से पाई, अंग्रेजों से पाई। और अफसोस ये है कि देश आजाद होने के बाद 75 साल तक भी इस इलाके ने सजा दी है। ना रेल मिली, ना कनाल मिला, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना यहां पे सेंट्रल स्कूल। और आज हम उम्मीद करते हैं कि आज इस घड़ी से एक ऐसा संकल्प शुरू होगा कि मेवात अब देश के नक्शे पे आएगा। आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि आज हम बड़ा संकल्प लेके जाएंगे। मेरे दोस्तों से मेरी उम्मीद है कि जब नारा लगाएंगे तो उस संकल्प का नारा लगाएंगे जो बड़ा संकल्प आज हम लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आज देश में फिर वही माहौल है, नफरत का बाजार है। आज हम सबको सिर्फ राहुल गांधी के कंधे पे जिम्मेवारी डाल के नहीं जाना है, हम सबको जिम्मेवारी लेके जाना है। और वो जिम्मेवारी क्या है? वो जिम्मेवारी है कि वो तोड़ेंगे, वो कौन, जो आज इस देश की सत्ता पे काबिज हैं।
आज इस देश को तोड़ने की साजिश कोई बाहर वाला नहीं कर रहा, कोई नीचे वाले नहीं कर रहे, ऊपर से इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। इसलिए हमारा संकल्प होगा कि वो तोड़ेंगे और हम क्या करेंगे। तो बोलिए जरा हाथ उठा के, सबको पता लगे, दूर दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। आज ये बड़ा संकल्प लेके जाने का दिन है, लेकिन ये संकल्प सिर्फ उनके बारे में ना रहे, ये संकल्प हमें अपने इलाके के बारे में लेके जाना है। और आज राहुल गांधी हमारे बीच में है, इन्होंने 2-3 दिन पहले घोषणा की है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो राहुल जी, ये आपकी मोहब्बत की दुकान का पहला शोरूम मेवात में खुलना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है। हम कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत जोड़ो का सबसे अच्छा सबूत 19 दिसंबर 1947 का मेवात है। ये है भारत जोड़ो, क्योंकि तोड़ने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तोड़ने वालों में मुस्लिम लीग भी थी, यहां के हिंदू सांप्रदायिक भी थे, और जोड़ने वालों में एक तरफ अब्दुल हई थे, एक तरफ यहां के बड़े बड़े नेता थे, इस इलाके के यूसुफ साहब थे, और जोड़ने वालों में महात्मा गांधी थे, विनोबा भावे थे, और हुड्डा साहब भी थे, रणबीर सिंह हुड्डा जी भी थे। तो तोड़ने का काम हिंदू और मुसलमान कर रहे थे, तो जोड़ने का काम भी हिंदू और मुसलमान कर रहे थे। ये जो भारत जोड़ो की भावना है, आज हम उस भावना को सलाम कर रहे हैं। तो बस दो नारे लगा के बात को खत्म करूंगा। आज 19 दिसंबर 1947 को याद करते हुए मन से बोलें, जोर से बोलें, वो तोड़ेंगे, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। और महात्मा गांधी के लिए एक शब्द हम कहेंगे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे ना मंजिल तक, जो जो मंजिल तक पहुंचाएगा हाथ उठा के बोलिएगा, गांधी तेरे सपनों को, गांधी तेरे सपनों को। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। अब मैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह जी एआईसीसी के जो हमारे इंचार्ज हैं, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी, बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, कैप्टन अजय जी, और यहाँ से विधायक हमारे जो सीएलपी के डिप्टी लीडर हैं आफ्ताब साहब, और इंजीनियर साहब विधायक योगेंद्र यादव जी, तथा उपस्थित समस्त सम्मानित मंच, दीपेंद्र अजीत दीपेंद्र जी, तथा उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, वे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तुम इस पावन मेवात की धरती में और इस ऐतिहासिक गांव की धरती को सलाम बोलता हूं, सलाम इस धरती को, जिसने हर, जैसे ज्यादा सबको मालूम है, 1857 1947 आजादी की लड़ाई, बाबर से लड़ाई, सब लड़ाई का ये सबूत रहा है, और इस गांव का बड़ा भारी योगदान रहा है। इस गांव से बहुत शहीद हुए हैं, और जैसा यहाँ बताया गया, 19 दिसंबर 1947 को जब देश में बंटवारा हुआ और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मेरे पिताजी के पास खबर पहुंची, यासीन खान जी लेके गए, तो मेरे पिताजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की, पंडित जी ने कहा गांधी जी को लेके जाओ, और साथ की साथ वहां चंडीगढ़ टेलीफोन किया, गोपीचंद भार्गव मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहा, आदेश दिए पंडित जी ने,
कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी मेवात से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेवारी। तो जैसे मैंने कहा, राष्ट्र भगत का ये मेवात है, ऐतिहासिक है, और राहुल जी आपके परिवार का बड़ा भारी योगदान है इस इलाके में। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये कहा, इंश्योर किया, वो प्रधानमंत्री थे, गांधी जी आए, स्वयं आए, और गोपीचंद भार्गव आए मुख्यमंत्री, और मेरे पिताजी संविधान सभा के सदस्य थे, वो आए। अब उसके बाद जो योगिंदर जी कह रहे हैं विकास की बात, योगिंदर जी यहाँ पीने का पानी नहीं था, यूपीए सरकार में ही सोनिया गांधी जी आई थी हमारी नेता, जब यहाँ रेनिवेल स्कीम चलाई थी और यहाँ पानी का पानी उपलब्ध कराया था। और आपने कहा पढ़ाई के लिए, यहाँ पर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया और इस गांव को सबसे पहले मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया, और महिला कॉलेज सालाहेड़ी में खोला गया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय दिए, आरओई मॉडल स्कूल दिए, डाइट वाइट संस्थान दिए, एनएमएस मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज हमने मांडीखेड़ा में दिया, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय का सेटेलाइट कैंपस यहाँ खोला, और एमडीयू का यहाँ पे हमने रीजनल सेंटर खोला था, वही सरकार ने कैंसिल कर दिया, यूनानी मेडिकल कॉलेज दिया, पुनाना में महिला कॉलेज दिया, और राजीव गांधी पेयजल योजना जो इस इलाके की जीवन रेखा बनी है वो जब उस टाइम दिया गया, और जो गुड़गांव से अलवर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया था, कोटला झील का यहाँ पे बहुत विस्तार किया, ये सारे काम रोक दिए गए। अब जिस रोड का क्या था, स्वयं पैदल रहे हैं, चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या हाल है इस रोड का, इस रोड का हाल देखा हमने। ये तो सुनते थे कि सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क यहाँ हमने देखी, तलाश करनी पड़ती है। तो आज राहुल जी आए हैं, और आपका परिवार का यहाँ बड़ा भारी योगदान रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है, आज ऐतिहासिक गांव में आए हैं, और ऐसी जो याद बताया इतिहास का, राहुल जी को सारा पता है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये परिवार जो है इस इलाके के लिए सदा मजबूती से खड़ा है, और जब भी वहाँ सोनिया जी जब भी आदेश देती थी तो मेवात के इलाके की बात करती थी, मेरे को उसके विकास की बात करती थी। तो आज आप आए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि राहुल जी यहाँ आए, तो भाई आज आए हैं तो कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलेगा आपके यहाँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। एक बार जोर से बोलेंगे मेरे साथ, मैं कहूंगा जोड़ो जोड़ो, आप कहोगे भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। अरे तो मेवात की धरती है, कैसी आवाज होनी चाहिए, दिल्ली पहुंचनी चाहिए, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। आपके बीच में आज एक ऐसे नेता है जो दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हम शांति बना के रखेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी को सुनेंगे। मैं आप सबकी ओर से गुजारिश करता हूं, आइए राहुल गांधी जी हमको संबोधित कीजिए। शक्ति सिंह गोहिल जी, उदयमान जी, भूपिंदर हुडा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, योगेंद्र यादव जी, कैप्टन अजय यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग, ठीक है? मैं प्रेस के मित्रों कह देता हूं, आमतौर से कह देता हूं, मगर मित्र तो कहता हूं मगर मित्रों का काम ये नहीं करते, इनके इनके मित्र दूसरे हैं, जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं, और हमारी मतलब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, मगर मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी,
मगर नरेंद्र मोदी जी 10-15 कदम चल लिए तो 24 घंटा आपको टीवी में दिखेगा। मगर ये अच्छी बात है, ये देखिए अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं, ये खराब बात नहीं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि इनकी गलती नहीं है बेचारों की, इनके पीछे लगाम बांध रखी है, पीछे से कंट्रोलर है। तो देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं आप बात तो सही बोली, देखो मुस्कुरा रही है, देखो ये देखो मुस्कुराए। तो देश की ये हालत है। पार्लियामेंट में हम बोलना चाहते हैं ना, पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, जैसे राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में। तो जानते हो क्या होता है, जानते हो? मैं दिखाता हूं, माइक ऑफ हो जाता है, देखो ऐसे जो बोलना है बोलो, बोलते जाओ कुछ नहीं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। टीवी उधर कर देते हैं, स्पीकर साहब का चेहरा दिखता है और पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं। इसीलिए हमें ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करनी पड़ी कश्मीर तक। और जो मैं आपको बताऊं, जो हमें सीखने को मिला वो गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में नहीं सीखा जा सकता है। कहां से सीखे हम? हिंदुस्तान की जनता से सीखे, किसानों से सीखे, मजदूरों से सीखे। अब देखिए, एक तरफ आपकी कुर्बानी, यहां अभी मैंने महात्मा गांधी जी की फोटो के सामने फूल रखे, ये आए, इन्होंने आपकी रक्षा की। उस समय भी हिंसा थी, उस समय भी इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को बांटने का काम, नफरत फैलाने का काम किया था। और आप याद रखिए, योगेंद्र यादव जी ने कहा वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, मगर जब वो बोल रहे थे मैंने एक बात सोची, सही नारा है, हम वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, मगर इसके आगे एक कदम जाना पड़ेगा, हम तोड़ने नहीं देंगे। आप कोशिश करो जितनी करनी है, हम तोड़ने नहीं देंगे, एक सेकंड के लिए नहीं तोड़ने देंगे। जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम टूटने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। ये गांधी जी जो हैं, ये एक व्यक्ति थे, मगर इन्होंने हमें, इनके सामने हमने फूल क्यों डाले? हमने इनके सामने फूल इसलिए डाले क्योंकि ये एक सोच भी थे, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, ये एक सोचने का तरीका और एक जीने का तरीका था। और अगर आप गांधी जी को समझना चाहते हो तो हिंदुस्तान में उस समय बहुत हट्टे कट्टे चौड़े लोग थे, मगर हिंदुस्तान का सबसे निडर व्यक्ति ये थे। तो अंग्रेज इनको डराने की कोशिश करते थे, डरते नहीं थे, जेल में डाल दिया डरे नहीं, 3 गोली छाती में मार दी तब भी नहीं डरे। इसीलिए हम इनके सामने फूल रख रहे हैं। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, देखिए कुछ भी हो जाए आपको किसी से नहीं डरना है, नहीं डरना है,
की सड़कों पे चला हूं। अब देखिए क्या हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। अलग अलग राय हो सकती है। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि जितना होना था नहीं हुआ, हुडा जी ने कहा कि काम हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बीते हुए समय में हुआ उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इन सड़कों पे मैं चला हूं और मुझे दिख रहा है कि यहां पे आज सड़कों की हालत खराब है, यहां पे आपको दर्द हो रहा है और यहां पे कमियां हैं। और जब सड़क पे आदमी चलता है ना, देखिए इन्हीं सड़क पे आप आओ, मर्सिडीज गाड़ी में आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, झटके नहीं पड़ते, घुटनों में दर्द नहीं होता। तो जब व्यक्ति 100-200 किलोमीटर आपकी सड़कों पे चलेगा, जैसे मैं चला हूं, जैसे अब हुड्डा जी चले हैं, जैसे अब योगेंद्र यादव जी चले हैं, बात गहराई से दिमाग में बैठ जाती है, उसके बाद कोई समझाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पे 2-3 चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। यहां पे आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यहां पे आपको अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। यह सबको दिख रहा है और यह हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये 2 दिन में हो जाएगा, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, समय लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है और हम आपको करके दिखा देंगे। पीने का पानी की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, सच्ची सरकार की। अब भैया ये तो आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए। अच्छा, यात्रा हमने शुरू क्यों की? क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, जैसे मैंने आपको कहा माइक ऑफ कर देते हैं, और देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं ये लोग। इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़ ऐसी चीजें बेचो, तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाती है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है, जो 25 किलो से कम बेच रहा है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है, जो 25 किलो से ज्यादा, हजारों लाखों किलो बेच रहा है, उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है, ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार है।
और ऐसे ही इन्होंने एक और नया पुराना एक और नया हथियार निकाला था, ये जो इनके किसान के खिलाफ तीन काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मानने के हथियार थे, और ये इनको जो तीन कानून थे ये किसानों को मानने के, मजदूरों को मानने के हथियार थे। और हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो गए, कहते नहीं हम नहीं मानेंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मैंने प्रेस वालों से की बात की, मैंने कहा ये हमारे मित्र नहीं है, ये जूनियर लोग मित्र हैं, मगर जिन्होंने इनकी लगाम पकड़ रखी है वो मित्र नहीं है। आप देखो मेरे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर 5-10 दिन मेरा इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो भी सवाल इनको पूछने होते हैं पूछ लेते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते वो। सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको यह नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुसीबत हो जाएगी। तो आप उनको पहचानिए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये आरएसएस के सब लोग ऐसे हैं, ये नफरत फैलाते हैं मगर ये डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से डरते हैं, हिंदुस्तान के किसान से मजदूर से डरते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते आपका। और मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह देश डरपोकों का देश नहीं है, यह वीरों का देश है, यहां कोई नहीं डरता। और यह यात्रा ने दिखाया है, कन्याकुमारी से यहां तक आए हैं हम, कितने किलोमीटर हो गए वेनु जी? 3000 किलोमीटर हो गए, 3000। और मैं अकेला नहीं चला हूं, हजारों लोग चले हैं, हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, 90 साल का, सबसे सामने चलता है, किसी से नहीं डरता, वो है हिंदुस्तान। तो इस यात्रा ने दिखाया है कि यह देश किसी से नहीं डरता है, अपने भविष्य से नहीं डरता। और एक दिन, जिस दिन यह खड़ा हो गया एक साथ, जिस दिन यह देश एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन यह पूरी की पूरी नफरत हिंसा सब खत्म हो जाएगी। और यह भी मत सोचो कि यह दिन बहुत दूर है, ये दिन दूर नहीं है, ये दिन आने वाला है, जब एक बार फिर ये देश मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, एक साथ आगे बढ़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता, जितनी कोशिश करनी है करो, तोड़ने की कोशिश करो, इस देश को हम तोड़ने टूटने नहीं देंगे, खत्म।
तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो, कोविड आ रहा है यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है। और देखिए यात्रा में, आप देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात के लोग, महिला पुरुष बच्चे 5 साल के बच्चे सब चले हैं। इसमें किसी ने किसी से नफरत नहीं की। मैंने अपने आंखों से देखा है, लाखों लोग चले हैं, किसी ने किससे यह नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा धन क्या है, तुम कहां से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो, किसी ने नहीं पूछा। 24 घंटा इस यात्रा में लोगों ने एक दूसरे का आदर किया, गले लगे, हाथ में हाथ लेकर यह यात्रा चली है। और दूसरी बात देखो, इस यात्रा में धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, जैसे कल हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गिर गए। आप इनसे पूछो, एक सेकंड नहीं लगा, 7-8 लोगों ने इनको उठा दिया एक सेकंड में। किसी ने यह नहीं पूछा, भैया आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, तो नाम क्या है, क्या करते हो, ना हिंदुस्तानी हो उठा देंगे आपको, नीचे नहीं गिरने देंगे। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हर हिंदुस्तानी की रक्षा करे, किसान की रक्षा करे, किसान के सामने मुसीबत आए एकदम पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूम के उसकी रक्षा करे, मजदूर के सामने मुश्किलें आई एकदम हिंदुस्तान पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने मजदूरों की मदद करे, ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें, हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। बहुत क्लियरली मैंने बोला, आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और यह मैंने आपको मैसेज दिया है, यह आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, ना मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को, आप मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। भाई भाई के साथ मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे से आप मोहब्बत प्यार से बात करो, गले लगो, यही देश की शक्ति है, यही देश को आगे ले जाएगा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो आपने मुझे मैसेज देना था वो मैसेज मैं समझ गया हूं, वो मैसेज मेरे साथ जाएगा वापस, और उसका नतीजा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।